जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, आज हम प्रतिशत का एक अलग टाइप करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से आप बहुत ही ज़रूरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपना यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहाँ पे मैथमेटिक्स पूछी जा रही है तो प्रतिशत का ये जो टाइप है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज हम परिकलन में त्रुटि पर करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है, या कुछ अगर ट्रिक होगी तो मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। तो देखते हैं, स्क्रीन पर आपके प्रश्न है, आप लोग पढ़िए। यूपी पुलिस का शायद प्रश्न है, पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो इस परिकलन में उसका त्रुटि प्रतिशत क्या है। क्या कह रहा है कि इस परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता है ये चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि हमसे क्या चीज़ पूछ रहा है। यदि कोई चीज़ हमसे जो पूछ रहा है, यदि हमें वो नहीं पता है तो हम या उसको मान सकते थे, अभी पीछे से करते आए हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पूछा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। त्रुटि नहीं पूछा है, त्रुटि प्रतिशत कितना है पूछा है आपसे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि किसी संख्या को गुणा कर रहा है, किसको गुणा कर रहा है, संख्या को गुणा कर रहा है, लेकिन संख्या आपको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। संख्या को क्या मानेंगे बच्चे, तो हम लोग ये करते हैं, मानने में सबसे बड़ी बुद्धिमानी जो आपकी होती है संख्या को मानने में होती है। तो आप मानेंगे क्या, जिससे कि आपका आपकी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल आसान हो। संख्या को हम एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बिना माने हुए भी हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और आपको जो एग्जामिनेशन में है जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिमिट टाइम मिलता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखे त्रुटि वाला, तो हम लोग जो संख्या को मानते हैं, ऐसी संख्या को मानते हैं जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो। तो हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं संख्या जो आपका जैसे 5/3, जैसे 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, तो वो 3/5 से गुणा कर दिया है। ऐसे संदर्भ में आपको संख्या दी रहेगी, तो क्या करेंगे, जो अंश और हर होता है उसी का जो लासा होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं संख्या। क्या मान लेते हैं, उसी को संख्या। जैसे इसमें 5/3 की बात किया, यानी 5/3 है, तो हम लोग संख्या को क्या मानेंगे, 5/3 का मासा माना, संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे, माना बच्चे संख्या क्या है, 5/3 का मासा कितना हो जाएगा, तो लासा कितना हो जाएगा, 15। 15 कैसे होगा, 5/3 का लासा। क्या बच्चे, 5/3 का लासा, क्योंकि लासा इसलिए मार रहे हैं बच्चे क्योंकि ये इसकी कैलकुलेशन जो है आप आसान होगी। आगे देखते हैं कैसे आसान होगी, बाकी मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने आपसे पहले चर्चा कर रखा था। लेकिन ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में हम हमेशा जो अंश और हर होता है उसका जो लासा होता है उसी को मानते हैं। जैसे इसके 5/3 कहा है तो हम लोग मान ले रहे हैं 5/3 का लासा कितना मान ले रहे हैं, हो गया आपका 15। यानी कि जो संख्या है हम लोग माने हैं 15। कह रहा है कि संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। यदि वो संख्या में 5/3 से गुणा करता तो वो हमें सही संख्या प्राप्त होती। क्या होती है, सही संख्या। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, सही संख्या, अगर सही संख्या की बात करें तो बच्चे कितनी हो जाती, 15 संख्या है, यदि इसमें ये 5/3 से गुणा कर देता, कितने 5/3 से गुणा कर देता, तो सही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। अब देख रहे हैं कैलकुले, हमने 15 को माना, देखते हैं कि आसानी से ये कट जा रहा है, 3 यानी कि 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 यानी कि जो वास्तविक संख्या आती कितनी आती, 25। सही संख्या जो बच्चे आपको मिलती वो मिलती 25। लेकिन बच्चे ने गलती कहाँ करी है, बच्चे ने क्या किया है, 15 जो है वो जो 3/5/3 की बजाय वो 3/5 से गुणा कर दिया है। जब 5/3 से गुणा कर दिया है बच्चे, 3/5 से गुणा कर दिया है बच्चे, तो संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है, गलत प्राप्त हो रही है। तो हम गलत संख्या की अगर बात करें बच्चे, तो गलत संख्या की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गलत संख्या आपका हो जाएगा कितना, संख्या को हम लोगों ने 15 माना है, गुणा कितने से कर दिया, 5/3 से कहा था, लेकिन वो कर दिया है 3/5 से। कितने से कर दिया बच्चे, 3/5 से कर दिया है। तो ये 5 से बच्चे ये भी 15 फिर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 9। यानी कि अगर जब
इससे गुणा कर रहा है 3/5 से, तो हमें 9 प्राप्त हो रही है, जबकि 5/3 से गुणा कर रहा है बच्चे तो हमें 25 प्राप्त हो रही है। अब आपसे क्या पूछा है, परिकलन में त्रुटि पूछा है। क्या पूछा है, परिकलन में त्रुटि। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं, परिकलन में त्रुटि क्या होता है, जब परिकलन में त्रुटि की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, वास्तविक संख्या 25 है, जो गलत संख्या आई है आपकी 9 आई है, बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 15 में से 9 गए, कितना होगा आपका 16, यानी कि 16 जो है 16 अंक की जो है त्रुटि हो रही है, 16 यूनिट की त्रुटि हो रही है। कितनी त्रुटि हो रही है, 16 यूनिट की, कितनी, 16 यूनिट की। तो बच्चे अब क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि, परिकलन में प्रतिशत त्रुटि, जब प्रतिशत त्रुटि की बात करेगा बच्चे, किसकी करेगा, प्रतिशत त्रुटि की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, कितनी त्रुटि, 16 त्रुटि हो रही, किस में हो रही बच्चे, 25 में ही तो हो रही है मेरे लाल, कैसे होगी 25 में, क्यों होगी, क्योंकि जो अगर सही गुणा करता तो संख्या हमें 25 प्राप्त होती, लेकिन वो गलत गुणा किया इसलिए उसे 9 प्राप्त हुई, त्रुटि 16 की हो रही, किस में हो रही, 25 में, 25 की जगह 16 में, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा, बस यहीं से 25 चौक को 100, 16 इंटू 4, यानी कि 64% की बच्चे क्या हो जा रही है, त्रुटि आ जा रही है, क्या हो जा रही है, त्रुटि आ जा रही है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बच्चे वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो एक प्रश्न और लेंगे इसी टाइप का, और जिससे कि आपको और आसान हो जाए, तो देखिए स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोग करिए, सेम इसी पैटर्न पर हल होगा, आप लोग कोशिश करिए क्या वो आपसे हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सेम इसी पैटर्न पर है, आप लोग कोशिश, आप कोशिश करिए आपसे हल होगा, क्योंकि आपको जीतना है तो आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 8/3 से गुणा करने की बजाय वो 8/3 से भाग कर देता है। बच्चे उसे कहा गया है कि आप गुणा करिए, लेकिन वो बच्चा अभी नादान है, इसलिए गलती से वो 8/3 से क्या कर दे रहा है, भाग दे रहा है। तो इस परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, मतलब कितने प्रतिशत की इसमें त्रुटि हुई है। तो क्या करेंगे, हमें संख्या नहीं पता है कि किस संख्या में गुणा करना है, तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं। क्या मानेंगे संख्या, 8/3 की बात का है, तो 8 और 3 का लासा हो जाएगा, यदि 8 कुछ जो संख्या होगी अंश और हर जो उसमें होगा, तो उसका अगर हम लासा मानेंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान होगी। तो हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या है आपका, माना संख्या 8/3 का लासा, बच्चे माना संख्या कितना हो जा रही है बच्चे, 8/3 का अगर हम लासा निकालेंगे 8 तरीका क्या हो जाएगा, 24 क्या हो गया, ये 8/3 का लासा। जरूरी नहीं है बच्चे कि यही मानिए, आप x भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो क्या मान लीजिए संख्या को 24, कह रहा कि 8/3 से गुणा करने के लिए बच्चे उसे कहा गया, किससे 8/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, तो जो सही संख्या बच्चे हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो सही संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, 24 है, अगर हम 24 में 8/3 से जब वो गुणा करता बच्चे तो संख्या हमें सही प्राप्त होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 64, यानी कि 3 से काटेंगे 3 8 24 8 28 64। उसके बाद फिर गलत संख्या, सही संख्या हो गई आपकी 64, गलत संख्या कैसे निकलेगी, कह रहा है बच्चे कि वो 8/3 की बजाय बच्चे वो गुणा करने की बजाय वो क्या कर देता है बच्चे, वो कर देता है भाग, यानी कि 24 में वो गुणा करने की बजाय कर देता है 8/3 से भाग, इसलिए संख्या क्या आती है गलत, तो आ जाएगी आपका 24 इंटू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/8, क्या हो जाएगा 3/8, तो हो जाएगा 8 3 24, यानी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा है, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो परिकलन में अगर हम त्रुटि की बात करेंगे, अगर हम परिकलन में त्रुटि की बात करेंगे तो कैसे होगा,
अगर सही करता तो 64 आता, लेकिन गलत किया है 9 आया है, तो 64 - 9 त्रुटि कितनी हो जाएगी आपकी 55। यानी जो परिकलन में त्रुटि आ रही है बच्चे वो आ रही है 55। क्या आ रही है? 55 आ रही है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछा है? प्रतिशत त्रुटि। तो कैसे निकालेंगे बच्चे प्रतिशत त्रुटि? 55 की त्रुटि आ रही किस में आ रही? 64 में आ रही। 64 में 55 की त्रुटि आ रही तो 0.2 हो जाएगा, 100 बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 55 100, तो लगभग आ जाएगा आपका 85% समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 85% आ जाएगा प्रतिशत। क्या आ जाएगा? 85% प्रतिशत आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 85 से संबंधित ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए 85% क्या आ जाएगा बच्चे? 9%। क्या आ जाएगा? 85% इसका सही हो जाएगा। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग ऐसे हल करेंगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम लगने वाला नहीं है। तो चलते हैं बच्चे फिर अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर टाइप है। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। ये आपको अभी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए, मतलब कोई परीक्षा है उसमें 80 प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का है। क्या है? 4 अंकों का है। सोनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कह रहा है सोनल ने प्रथम जो है 60 प्रश्नों में से 75% जो है प्रश्नों का सही जवाब दिया। उसे कुल 80% जो है अंक, जो है अंक प्राप्त करने हेतु उसे जो और कितने, उसे जो शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत प्रश्नों को, या कितने प्रतिशत प्रश्नों को का सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। टोटल प्रश्न 80 हैं, प्रथम खंड मतलब प्रथम में जो है 60 प्रश्न में से 75% का सही दिया है, तो आपके पास शेष प्रश्न जो बचते हैं 20 बचते हैं। तो 20 में से वो कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, जिससे कि उसका जो है ओवरऑल जो प्रतिशत सही है वो 80% हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं, मान लेते हैं कि 20 में से x प्रतिशत को मान लेते हैं, 20 में से x प्रतिशत और आंसर सही दे दे तो उसका जो ओवरऑल हो जाता है 80% हो जाता है। तो क्या मान लेते हैं? माना x प्रतिशत सही उत्तर दे दे, किसमें? शेष में से। किसमें दे दे बच्चे? शेष में से। तो सबसे पहले क्या करें? कह रहे 60 में से 75%, यानी कि 60 का 75% अंक सही है। एक जो प्रश्न है आपका वो है बच्चे कितने अंकों का है? वो है 4 अंकों का। इतना अंक हुआ प्लस कितना उसके पास, कितना बचा बच्चे? उसके पास शेष बच रहा है कितना? उसके पास अब 20 बचा। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 20 का अगर हम x प्रतिशत करेंगे तो x बटे 100 हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है टोटल, इतना अंक मतलब इतने प्रश्न जो सही है इतना अंक ये मिला फिर प्लस इतना, तो ओवरऑल कह रहा है कि 80 में से उसको 80% मिल जाए। कितना मिल जाए? 80% मिल जाए। कितना मिल जाए? 80 में से 80%। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 4 का है, तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे इतने हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको 4 ना करते फिर भी आंसर सही आता, क्योंकि 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर इधर से कट जाएगा। क्या किए? फिर से देख लीजिए, हमने x प्रतिशत सही उत्तर माना कि वो 20 में से x प्रतिशत उत्तर को सही दे दिया। तो अब 60 में से 75% प्रश्न सही दिया, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 4 गुणे इतना हो जाएगा, यानी इतने अंक उसे पहले मिल चुके हैं। अब 20 में से x प्रतिशत वो और प्रश्न सही कर दिया, कितना किया? 20 में से x प्रतिशत, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, इसलिए 4 से गुणा होगा, बराबर ओवरऑल जो प्रश्न है उसका 80% अंक जो है उसको मिला है। तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल 80% अंक उसको मिला है।
इस चार को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब भी आपको एग्जामिनेशन में ऐसा प्रश्न दिखे तो जो प्रश्नों का अंक है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपका क्या हो जाए, 100 से ये कट गया, 100 से ये कट गया, 100 से ये कट गया, ये आपस में कट गए। अब आपके पास क्या बचा है बच्चे? बचा है आपके पास 60 गुणे बचा है 75 प्लस 20 गुणे क्या हो गया यक्स, बराबर कितना है बच्चे? 80 गुणे क्या है बच्चे? 80 क्या हो गया? 80 गुणे 80। बस ऐसे ही हल कर लें। अब देखिए यहाँ से ट्रिक क्या निकली, 60 का 75% यानी 60 गुणे 75, फिर 20 गुणे 20 माने 80 का 80%। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं आप, हल कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। क्या हो जाएगा इसका? 0 56 6 7 42 3 4500 प्लस हो जाएगा 20x बराबर क्या हो जाएगा? 8 28 6400। क्या हो जाएगा? 8 28 6400। अब क्या हो जाएगा बच्चे? 20x बराबर हो जाएगा 6400 माइनस 4500 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0 0 14 में 5 गया 9 1900 यानी कि 20x। तो x बराबर हो जाएगा आपका 190/2 यानी कि क्या हो जाएगा? 85 2 8 16 2 9 हो जाएगा 2 9 18 2 5 10 यानी कि 95% आपके 20 में से वो 95% प्रश्नों का सही उत्तर दे देगा बच्चे। तो उसका जो ओवरऑल अंक हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो रहा है बच्चे? तो सी जो हो रहा है सही हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे प्रश्न दिखे आपको जितना, जैसे 60 का 75% प्रथम सारण 60 गुणे 75 करेंगे, 20 का x माने तो शेष का x बराबर ओवरऑल का जो होगा 80 60 जो होगा ओवरऑल का कर देंगे, तो आंसर आपके सामने होगा। तो अगला प्रश्न इसी टाइप का है, देखिए कैसे होगा, डायरेक्ट करते हैं उसको भी। देखिए बच्चे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेम इसी पैटर्न पर है, आप लोग कोशिश करिए एक बार। कह रहा है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है, अंक से कोई मतलब नहीं, हमने बता दिया जब ऐसे प्रश्न दिए हो। प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कुल उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष अंकों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उसे सही उत्तर देना पड़ेगा, कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, माना बच्चे यक्स, क्या मान लेते हैं? माना देना पड़ेगा उसे यक्स 100% प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। शुरुआत में क्या कहा है, यानी कि 75 प्रश्नों में से वो 80% जो है प्रश्नों का सही उत्तर देता है, प्लस अगर हम बचा कितना 150 है तो बचेगा आपका 75, क्योंकि 75 प्रश्नों का उत्तर दे चुका है, बचे 75 में से वो यक्स 100% प्रश्नों का उत्तर सही देगा, तो उसे ओवरऑल जो मिल जाएगा, ओवरऑल उसे मिल जाएगा कितना बच्चे? 60%। कितना मिल जाएगा? 60%। बस आराम से हल कर लीजिए, वैल्यू आपके सामने होगा। क्या हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा? 0 होगा, 8 45 होगा, 8 7 56 4 60 होगा, प्लस क्या होगा आपका? 75x होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 हो जाएगा, 15 6 हो जाएगा 90 यानी कि 9000। तो 75x बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 3000। यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3000 बटे क्या हो जाएगा? 75, और बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 1000 यानी कि 25 चौको 100 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे? 40%। यदि वो शेष में से 40% अंकों का सही उत्तर दे देता है बच्चे, तो उसका जो है ओवरऑल 60% अंक जो है उसे प्राप्त होंगे। तो बच्चे इसी टाइप के प्रश्न, ये जो प्रश्न दोनों टाइप थे, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, वहाँ आपको ये दोनों टाइप देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, यदि नहीं आई हो तो हम फिर से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।